Hello guys, my name is Sachin Maurya and I am back with a new video on pathology. So today we will be discussing fibroadenoma. Okay, so starting with the video, first of all, fibroadenoma. Fibro का मतलब क्या होता है? Stromal tissue. Adeno का मतलब होता है epithelial tissue. And oma का मतलब होता है tumor. So basically fibroadenoma means tumor of stromal and epithelial tissue. Now further moving, fibroadenoma क्या है? Benign tumor of fibrous and epithelial cell, जैसा कि मैंने कहा. अब most common कौन सा है? Female breast. Okay, age group 15 to 30 years. Clinical appearance क्या होता है? SCF, solitary discrete and freely motile nodule. Freely mobile nodule. Now fibroadenoma may contain invasive lobular or ductal carcinoma. Now फर्दर हम बात करेंगे पैथोलॉजी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस में देखेंगे तो हम क्या होगा, स्मॉल स्फेरिकल सॉलिटरी एनकैप्सुलेटेड. एंड कट सरफेस की बात करेंगे तो फॉर्म ग्रे वाइट स्लाइटली मिक्सॉइड एंड शो स्लिट लाइक स्पेस फॉर्म बाय कंप्रेस डक्ट. नीचे हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो एक स्लिट लाइक स्पेस की तरह डक्ट जो हो गए कॉम्प्रेस्ड हो गए ड्यू टू स्ट्रोमल फाइबर्स, उसके वजह से क्या हुआ, डक्ट हमारा कॉम्प्रेस हो गया, तो एक स्लिट लाइक अपीयरेंस आ रहा है उससे. मिक्सॉइड का मतलब होता है डार्क ब्लूइश कलर. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की, तो अरेंजमेंट ऑफ द फाइब्रस ओवरग्रोथ एंड डक्ट मे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ पैटर्न विच मे को एग्जिस्ट इन सेम ट्यूमर. तो माइक्रोस्कोपी में हमें दो टाइप का पैटर्न दिख रहा है, दो टाइप के फाइब्रस ओवरग्रोथ दिख रहे हैं जो कि साथ में हम देख सकते हैं, वो है इंट्रा कैनालिक्यूलर एंड पेरी कैनालिक्यूलर. सो इंट्रा कैनालिक्यूलर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम डायग्राम में जैसे कि हमें समझ रहा है कि जो फाइब्रस स्ट्रोमा है वो क्या करता है, ओवरग्रोथ दिखाता है. ओवरग्रोथ दिखाने से क्या होता है, वो ज़्यादा ग्रो करेगा और उसके आजू बाजू या सराउंडिंग में जो भी डक्ट्स होंगे वो उसको कंप्रेस कर देगा और एक ऐसा अपीयरेंस दिखता है, एक ऐसा वर्चुअल अपीयरेंस दिखता है कि जो फाइब्रस स्ट्रोमा है वो डक्ट के अंदर आ गई है, इसलिए हमने उसे क्या कहा, इंट्रा कैनालिक्यूलर. सो स्ट्रोमा कंप्रेसिस डक्ट सो डेट डक्ट आर रिड्यूस टू स्लिट लाइक क्लेफ्ट लाइंड बाय डक्टल एपिथेलियम, इसका मतलब यही था. नेक्स्ट इस पेरी कैनालिकुलर पैटर्न, इसमें क्या होगा कि जो हमारा डक्ट होगा उसके आसपास का जो फाइब्रस स्ट्रोमा होगा वहाँ पे प्रोलिफ्रेट करेगा, तो एक डक्ट ओवल डक्ट की तरह अपीयरेंस आता है. सो पेरी कैनालिकुलर पैटर्न इज कैरेक्टराइज बाय एनसर्कलिंग मास ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा अराउंड डायलेटेड डक्ट. अभी जो फाइब्रस स्ट्रोमा जो प्रोलिफ्रेट कर रहा है वो कैसा होगा, सेलुलर होगा या तो लूज मिक्सोमेटस होगा अपीयरेंस में. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर फाइब्रोएडिनोमा. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन श्योरली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू कमेंट ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू.